जो नेक्स्ट वगैरह वो इंटर ट्रोकेंटर लाइन और इंटर ट्रोकेंटरिक क्रेस्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो ग्रेटर और लेस ट्यूबरकल जो मैंने कि आपको एंटीरियर लाइन नजर आएगी उसे हम कहेंगे इंटर ट्रोकेंटर लाइन, जो पोस्टीरियरली जो एक क्रेस्ट ही नजर आ रही है इसमें हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंटर क्रेस्ट हो गया। यहाँ पर आपने एक बात जानी है क्वाड्रेट ट्यूबरकल होती है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद जो है ना वो शाफ्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट, सिलेंड्रिकल होती है, नैरोएस्ट होती है इन दी मिडल, मिडल में देखें ये ब्रीक सी आपको नजर आ, ऊपर भी मोटी सारी है नीचे भी ना इसकी हैवी है ठीक है, लेकिन दरमियान में जो है ना ये थिन है। इसके बाद जनाब इसको हम शाफ्ट को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड, अपर मिडल और लोअर। मिडल वाले की आपने तीन बॉर्डर और तीन सरफेसेस बताने हैं, अपर वाले के जनाब चार बॉर्डर चार सरफेसेस, लोअर वाले के भी चार बॉर्डर चार सरफेसेस, यहाँ भी चार यहाँ भी चार, दरमियान में सिर्फ तीन, बस यहाँ तीन यहाँ चार और यहाँ पर भी चार। अब इनको ना तो सबसे पहले मैं जो है ना मिडल वन थर्ड जिसके कम बॉर्डर थे ना वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आपको इंटीरियरली बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है, अब जस्ट फील करें मून को, ये थोड़ा ये यूम एनाटॉमिकली पोजीशन रखी हुई है ना कि राइट साइड के, तो मैं राइट हैंड में पकड़ूंगा ठीक है, तो राइट हैंड में पकड़ के आपने बताना है कि ये वाला जो ये जो मैं जिसे फील कर रहा हूँ ये हो गया मिडिल बॉर्डर, ये वाला जो हो गया ना ये लेटरल बॉर्डर हो गया, एंटीरियरली हमें कोई बॉर्डर फील नहीं हो रहा, पोस्टीरियरली आ जाए तो ये वाला एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये वाला ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल लेटरल और पोस्टीरियर तीन बॉर्डर हो गए। इसके बाद जो है ना सरफेसेस, ये देखें ये इंटीरियर सरफेस, ये लेटरल सरफेस और ये मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस इसकी नहीं होती ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियरली एक बॉर्डर जो आ गया इसके अंदर बिल्कुल इजी सा। अब जो अपर वन थर्ड आप शार्ट है ना वहाँ पे जो हाँ ये पोस्टीरियर बॉर्डर का एक और बात बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जो है ना वो लीनिया एस्परा जो है ना वो बनता है, जिस तरह जरार जो ना ह्यूमरस के अंदर वो बनता था ना, दो इंटर ट्रोकेंटेरिक दोनों ट्रोकेंटर के दरमियान एक बनती थी इंटर ट्यूबरकुलर जो था ना वो लिप्स बनते थे, लेटरल लिप और मीडियल लिप हो गया, इंटर ट्रोकेंटर लाइन बनती थी ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है ना वो जो दो लिप्स से बन रहे हैं ना ये वाले, ये जो ग्रीन रंग से मैंने दिखाए हुए हैं, ये इसे हम कहते हैं लीनिया एस्परा, ये आपने बात नहीं भूलनी, इसकी अटैचमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको निमोनिक के साथ बताता हूँ ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना अपर बॉर्डर की बात करें, मैंने कहा था चार बॉर्डर होते हैं, मीडियल ये वाला, लेटरल ये वाला आपको फील हो रहा होगा ठीक है, उसके बाद जो है ना स्पायरल और इसके अलावा जो है ना लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोस्टी, ग्लूटियल ट्यूब्रोस्टी वाला एक ये बॉर्डर और इसके अलावा जो है ना एक स्पायरल बॉर्डर होता है यहाँ पे कहीं होगा ये इधर करके होता है स्पायरल बॉर्डर, आपने वो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा इस बोन के अंदर ठीक है। मीडियल लेटरल ग्लूटियल और एक स्पायरल बॉर्डर होता है, चार ऊपर आपने बताने हैं बॉर्डर ठीक है। और इसके अलावा फिर सरफेसेस क्या होंगी, एंटीरियर हो गया, मीडियल हो गया, लेटरल सरफेस हो गया और फिर पोस्टीरियर सरफेस हो गया, एंटीरियर मीडियल मीडियल लेटरल पोस्टीरियर, जबकि मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर स्पायरल बॉर्डर और इसके अलावा ये जो होते हैं ना ग्लूटियल लेटरल जो होते हैं ना वो बॉर्डर एक किस्म का आप कह सकते हैं स्पायरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूब्रोस्टी, ग्लूटियल ट्यूब्रोस्टी का जो है ना ये लेटरल बॉर्डर जो होते हैं ना यहाँ पर बनता है एक किस्म का ठीक है। अब जो लोअर वन थर्ड है ना, जो लोअर वन थर्ड है ना मैंने बताया था इसके भी ना चार बॉर्डर होती हैं चार सरफेसेस होती हैं, मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर। अब ये कोंडाइल्स हैं, इनके ऊपर जो लाइन आ रही है ना ये वाली मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन होगा ठीक हो गया। अब जो इसकी सरफेसेस हैं वो एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और जो बैक वाली है ना ये वाली फ्लैट सी सरफेस आपको नज़र आ रही है कैमरे में आई थिंक आपका, जो ये जो जो फ्लैट सरफेस आपको नजर आई ये अब पोस्टीरियर नहीं होगी, ये होगी पोपलीटियल, पी से याद रखें, यहाँ पे जो थी वो पोस्टीरियर थी लेकिन यहाँ पे जो है ना वो पोपलीटियल सरफेस आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सारा पोपलीटियल फोसा आता है ठीक हो गया। जो नी जॉइंट के अंदर फिर मैंने आपको बताया वो भी हुआ, आप उसको वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो इसकी सरफेसेस इंटीरियर मीडियल लेटरल और पोपलीटियल सरफेस हो गया, लोअर एंड पे जो है ना वो दो जो है कोंडाइल वो कह रहे होते हैं मीडियल कोंडाइल एंड लेटरल कोंडाइल, जो इन दोनों के दरमियान एरिया होता है इंटर कोंडाइलर, इसे कहते हैं इंटर कोंडाइलर लाइन एक किस्म की होती है ठीक है। इंटर कोंडाइलर जो है एक किस्म की लाइन है वो फिर इंटर कोंडाइलर फोसा या फिर नाच इसे हम कह सकते हैं वहाँ तक जाएगी, कहाँ पर जाएगी फिर ये वाला नॉच या फोसा जिसे मैं कह रहा था, उसके बाद ये फिर पोपलीटियल सरफेस तक आके ख़त्म हो जाएगी, इसका यही है। उसके अलावा जो है ना
लोअर एंड पे वो कह रहा है कि दो आर्टिकुलर सरफेस ही, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक कप शेप जो होता है ना वो पटीला पड़ी होती है ना, ठीक है, वो पटीला यहाँ पे आते, तो इसी वजह से हम जिसे कहते हैं पटीलर सरफेस हो गया, आर्टिकुलर सरफेस जो पटीलर हो गया, और नीचे वाले जो होते हैं ना वो टिबियल जो होते हैं ना सरफेस होता है। याद रहे यहाँ पे फिब्यूला की अटैचमेंट नहीं होती, फिब्यूला जो होते हैं ना वो उसके साथ या टिबिया के साथ में बस जाके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो होते हैं ना वो टिबियल सरफेस हम कहेंगे, नीचे वाली जो होगी वो आर्टिकुलर सरफेस होगी। अब लेटर कुंडाइल वो कहता है लेटरली होता है, मोर इन लाइन विद विद द शाफ्ट हो गया, यानी शाफ्ट के लाइन के तकरीबन दरमियान में ही होता है ये लेटर कुंडाइल, छोटा सा होता है, छोटू सा ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रोमिनेंस जो होता है ना, ये इसे हम कहते हैं लेटरल एपिकुंडाइल हो गया। और इसके अलावा जो होता है ना पोपलीटियल ग्रूव होता है जो कि बिहाइंड दी, इसके पीछे बिल्कुल ये पोपलीटियल ग्रूव यहाँ पे कह रहा वो होगा। और मस्कुलर इंप्रेशन, कुछ मसल्स के इंप्रेशन आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये देख रहे हैं कुछ ये मसल्स के इंप्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ की ओरिजिनल रिसर्चर हम सारी की सारी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएँ आप। और मीडियल एपिकुंडाइल जो कहता है वो कहता है बड़ा सा होता है ये एडक्टर ट्यूबरकल भी इसे कहते हैं, यहाँ पे जो बड़ा सा ये ट्यूबरकल आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला एडक्टर, क्योंकि यहाँ पे एडक्टर मैग्नस मसल ने ऊपर से आके लगना होता है, एडक्टर मैग्नस इनका है इंपॉर्टेंट मसल है, तो एडक्टर मैग्नस की वजह से इसे एडक्टर ट्यूबरकल भी कहते हैं। अब और एंड पे वो कह रहा है कि इंटर कुंडाइलर जो है ना फोसा, यानी ये दो कुंडाइल है ना, ये बैक से मैं दिखा रही हूँ, ये फ्रंट है और ये हो गया बैक हो गया, तो जो बैक के ऊपर जो इसकी आ जाती है ना वो इंटर कुंडाइलर फोसा, और इंटर कुंडाइलर फोसा कहाँ पे एंड हो रहा था पोपलीटल सर्वे। ये थी ऑल अबाउट इसकी अटैचमेंट, अगर आपको कुछ समझ ना ही हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको ये मार्कर के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा मसल अटैच होता है, जिस तरह ये मैंने मार्कर के साथ मार्क की हुई है लीनिया एस्पेरा की, आपने लाजमी वीडियो देखनी है, क्योंकि इसका ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है कि इसकी अटैचमेंट क्या है, वो मैं निमोनिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। थैंक यू सो मच, अगर मुझसे कोई गलती है तो काइंडली बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है।